प्रातः क्लास चल रहा था 21 फरवरी 1965 रविवार, पांचवें पेज के आदि में बात चल रही थी। अभी रावण राजी को कोई नहीं जानती है, न राम को और न राम की बायोग्राफी को जानते हैं, न रावण को और न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। क्या पॉइंट सुनाए? बाबा उनके लिए समझाते हैं कि एक तो समझाओ कि शिव बाबा के ऊपर से एक ही चित्र, गॉड इज वन, ऐसे नहीं कि गॉड बहुत हैं, नहीं, एक। भले उनके मंदिर बहुत बने हुए हैं और नाम भी बहुत रख दिए हैं, पर है तो एक ना। ये तो बुद्धि में समझने की बहुत ही बड़ी बात है। हम बाबा क्यों कहते हैं? कि किसने कहा बाबा? बाबा कहने से बुद्धियोग ऊपर में गया तो जरूर आत्मा ने कहा होगा ना, क्योंकि आत्माओं का बाबा है। तो जब बाबा कहेंगे तब बुद्धि ऊपर चली जाएगी। जब परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो ऊपर बुद्धि ही जाएगी, और जब सिर्फ बाबा कहेंगे तो लौकिक के ऊपर बुद्धि जाएगी। तो भक्ति मार्ग में जरूर याद तो करते हैं ना, और अभी भक्ति मार्ग तो है ही, तो बाप भी है और दुख में वो बाप याद पड़ते हैं। आत्मा को दुख मिलता है, बाप होते हुए भी फिर दुख मिलता है, तो रड़ी मारती है। ज्ञान नहीं होता है तो यहां कह देते हैं बाबा, लौकिक बाप याद आ जाता है, परंतु जब सच सच दुख होता है तो कहते हैं हे बाबा। तो बाबा तो दो हो गए ना, और सबको दुख तो जरूर मिलता है, सन्यासियों को भी दुख मिलता है, साधना करते हैं तो जरूर, तो ये है कि दुख मिलता है। देखो वो भी रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बीमार नहीं होते। अब जिनको रोग होते हैं, जन्म मरण में आते हैं, वो अपन को कह देवे कि हम श्री श्री 108 जगत गुरु यानी शिव बाबा। तो ये शिव बाबा का टाइटल अपने ऊपर रख दिया, ये कितना बड़ा पाप हो गया। ये हो गया सबको परमपिता परमात्मा से विमुख करना। बाबा पहले पहले कहते हैं कि बच्चे ये जो तुम्हारे गुरु हैं इन सब को छोड़ दो, क्योंकि इन गुरुओं से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं है। तब तो कहते हैं ना
बाप यानी भगवान कहते हैं, सिर्फ भूल कर दिए कि कृष्ण का नाम रख दिया है। तो कहते हैं कि एक बच्चे, अब इन गुरुओं को भी छोड़ो, ये खुद ही पतित हैं, क्योंकि इस समय ये सभी पतित हैं। दुनिया में रावण का राज्य है, कोई पावन होता ही नहीं है। ये भी देखो कि गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, अभी उस गंगा के स्नान करने से तो कोई पावन हो नहीं सकते, क्योंकि भारत में स्नान करते करते ही आए और अभी कुछ भी सुधार नहीं, और भी करते आए हैं। एक तरफ में पुरुषार्थ करते आए हैं, दूसरी तरफ में रावण को भी जलाते आए हैं, क्योंकि रावण है अभी तक भी। जब आग लगेगी तो किसको आग लगती है जानते हो? आग लगती है आसुरी सृष्टि को, उसको कहा जाता है रावण की सृष्टि। उस सृष्टि में आग लगे तब तो राम की सृष्टि कायम हो। तो राम की सृष्टि कायम हो तब रावण की सृष्टि को आग लगे। तो बरोबर इस बम्बोर को आग लगती है और ये सारी सृष्टि खत्म हो जाने वाली है, जबकि ये भारत खास और सारी दुनिया आम, सब कब्रस्तान बनना है, जरूर बनना है। तो कब्रस्तान से तो दिल ही नहीं लगानी चाहिए। बाबा ने हद का और बेहद का संन्यास भी समझाया। अभी मुझे याद करो, मेरे पास आना है। क्या तुमको ये कब्रस्तान पसंद आता है? क्योंकि अभी तो जरूर ये भस्म होने का समय है और ये कब्रिस्तान बिल्कुल ही छी छी है, क्योंकि ये दुनिया ही बिल्कुल पुरानी हो गई है। तुम्हारे और सांप के शरीर बिल्कुल जड़ जड़ीभूत पुराने हो गए और सबका सदगति दाता एक ही है। तो देखो ये सांप का सदगति दाता कैसे बैठते है, ये हाईएस्ट हस्ती, और बैठते हैं बिल्कुल साधारण। ये कोई जैसे कोई साधारण आदमी हो, साधारण पुरुषार्थी, इसीलिए गाया जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। पहली मूर्ति नीचे की मूर्ति ब्रह्मा, फिर उससे ऊपर विष्णु को दिखाते हैं और सबसे ऊपर शंकर को। क्यों दिखाते हैं?
और त्रिमूर्ति शंकर क्यों नहीं कहते हैं? तो ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ये हस्ती यहां के लिए है ऊंच ते ऊंच, लेकिन देखने में आती है साधारण। तो फिर ये हस्ती हुई ना, जिसमें परमपिता परमात्मा का प्रवेश है, बस इन जैसी ऊंच ते ऊंच हस्ती और कोई होती नहीं है। क्योंकि उस हस्ती द्वारा बच्चों को नॉलेज भी देते हैं, नॉलेज देते हैं कौन? परमपिता। वो भी बनाते हैं और फिर डायरेक्शन देते हैं शंकर को। और ये शंकर का नाग क्यों रखा है गले में? पड़ गया ये शंकर क्या करते हैं? नाग को साथ ले बैठे, परंतु वो तो सूक्ष्म बतन में रहते हैं। क्यों गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश? सूक्ष्म बतन में कोई विनाश थोड़े ही होता है, और विनाश कौन करेंगे? बाबा तो नहीं करेंगे अपने बच्चों का विनाश। बाबा तो प्यार का सागर है, बाप कोई अपने हाथ से थोड़े विनाश करते हैं। जिस जानते हो कि बाप उत्पत्ति करते हैं, पालना करते हैं, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मैं विनाश करता हूं। विनाश तो फिर काल के ऊपर नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये जो काल है इसको रखा गया है ना, इक्कीस दो 65 की वाणी का छठा पेज। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने इनको मारा, नहीं। ये भले जब कोई मरता है तो परमात्मा को बहुत गालियां देते हैं कि परमात्मा आप हमको इतना दुख क्यों देते हो, हमारे को जो दिया वो फिर आपने छीन लिया। अरे वो तो हमारी मर्जी है ना, हमने दिया हमने छीन लिया, उसमें तुम क्यों रणी मारते हो, क्यों रोते हो? फिर भी बहुत गालियां देते हैं। बाबा बोलते हैं कि नहीं, इस समय में ये ड्रामा है, जब तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है तो पीछे कोई भी मरता है तो कहेंगे कि जाकर के दूसरा पार्ट ले लिया।
अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ, बीबी मरे तब भी हलवा खाना, ऐसे कहते हैं ना, मन खुश रहो। तो ये कहां की बात है? ये अभी संगम युग की बात है, जबकि सतयुग सामने खड़ा है और वहां मरने का नाम नहीं है। वहां मां मरे तो भी हलवा खाओ, खुशी मनाओ। शरीर पुराना लेकर नया दे देते हैं तो खुशी की बात हुई ना। वहां बड़े साध माने होते हैं, यहां तो रोदन ही रोदन। वहां साध माने होते हैं, रोते तो रहेंगे। दूसरा, वो समझते भी हैं, ये तो बुढ़ा हुआ, अभी नया शरीर लेना है तो वो तो अच्छा ही है ना। तो वहां तो कोई रोते ही नहीं है। उसको कहा ही जाता है, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीबी मरे तो हलवा खाना। यहां अम्मा मरे तो भी रोना पीटना। तो ये है ही या हुसैन की दुनिया और वो है हर्षित होने की दुनिया। इसलिए उनका नाम ही बड़ा फर्स्ट क्लास है, पैराडाइज, हेवन, बहेस्त। यहां कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारा बाप मर गया, अच्छा कहां गया? कहते बैकुंठ में गया। फिर तुम क्यों रोते हो? नरक से स्वर्ग में गया तो अच्छा हुआ ना, फिर भला रोते क्यों हो? ये तो बताओ। नर्क से स्वर्ग गया तो तुमको तो ताली बजानी चाहिए, खुशी आनी चाहिए ना। तो अभी ज्ञान न होने के कारण रोते हैं और वहां तो ज्ञान रग रग में भर गया, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप हो गए, देहभान का नाम निशान नहीं। यहां रोते हैं, वहां ताली बजाते हैं। तो फर्क हो गया ना। यहां भारत और ये भारत, यहां कोई दूसरी चीज नहीं है, भारत वंडरफुल है। भारत में प्योरिटी में बहुत सुख और भारत में इम्प्योरिटी बढ़ती है तो बहुत दुख। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। जिसके पास धन है वो बोलता है कि स्वर्ग है। बाबा बोलते हैं कि अच्छा ये स्वर्ग है। तो तुमको रोने की तो दरकार ही नहीं, बीमार तो होंगे ही नहीं। वो कहते हैं मैं गरीब हूं। अरे भाई तुम्हारे लिए तो नरक है ना, तुम बहुत गरीब हो ना। तो देखो
गरीब भारत और गरीब भारत में जो फिर गरीब हैं, उन गरीबों का मैं गरीब निवाज हूं। साहूकार तो अपने ही नशे में रहते हैं क्योंकि बहुत धन है। बोलते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, मोटरें हैं, गाड़ियां हैं, महल माड़ियां हैं। बाप कहते हैं ये सब मिट्टी में मिल जाने वाले। अगर आने वाले हैं तो ये आएंगे तो बहुत कम पद पाएंगे। जो गरीब है उनका बहुत ऊंचा पद बन जाएगा। तो इनका नाम ही रखा हुआ है गरीब निवाज। अब ये जानते हो कि भारत सबसे गरीब है। तो देखो भारत को ही आकर के साहूकार बनाते हैं। क्योंकि इस समय में ये भारत बिल्कुल गरीब है। अब भारत को ही साहूकार बनाते हैं। वो कहते हैं सबसे गरीब को अन्नदान किया जाता है। तो मनुष्य को दान क्या करना चाहिए? जिसके पास पेट के लिए कुछ भी न हो उनको क्या देना चाहिए? अन्न देना चाहिए। वो हुई स्थूल बात, हद की बात, हद का पेट, हद का अन्न। और तुम ब्राह्मणों का है, तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा है बेहद का पेट बुद्धि। तो बुद्धि का भोजन क्या है? अन्न क्या है? बुद्धि का अनाज है याद। तो कौन सा दान देंगे गरीबों को? है जो गरीब हैं, जिनके पास याद का भोजन भी नहीं है उनको क्या देंगे? याद का दान, अन्न का दान देंगे। तो उनको जीव दान मिल जावे। अगर अन्न का दान नहीं मिलेगा तो मर पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा दान ये है, क्या? ज्ञान दान है, अन्न दान माना याद का दान। इसलिए गीता में क्या बोला? अन्नात भवति भूतानि। क्या? अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तुम जितना याद करेंगे उतना उतना ज्ञान में बहुत निकलेंगे। तो किसकी उत्पत्ति हुई है? तुम्हारी याद करने से, अन्न का दान देने से बहुत भूत, भूत माने प्राणी निकलेंगे। कैसे प्राणी निकलेंगे? गरीब। तो सबसे गरीब को अन्नदान करना चाहिए। सबसे अच्छा दान है अन्न का। देखो कितना अन्न देते हैं। अगर वो अन्न न देवे, क्योंकि गरीबों को अन्न दिया जाता है ना, तो वो समझते हैं कि बहुत गरीब हैं। परंतु जिस बात से बाबा समझा रहे हैं
उस नमूने से ही समझना चाहिए। समझते हैं कि ये बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इनको दान देना चाहिए। वो दान न लेवे तो अभी तुम लोग यहां हो ही नहीं। ये होने का है, थोड़ी लड़ाई लगेगी तो तुम लोगों को 100 रुपए मन भी अन्न नहीं मिलेगा। क्या बोला? थोड़ी भी लड़ाई लगी तो तुम लोगों को 100 रुपए भी अन्न नहीं मिलेगा। 100 रुपए मन, माना 2.5 रुपया किलो, तो वो तो लड़ाई लग चुकी। कौन से सन की मुरली है? हैं? 65 की। उसके बाद तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयाँ लग गई ना, तो अब तो 2.5 रुपए तो क्या, अभी तो 15 रुपए किलो। और वो भी समय आएगा जो अन्न मिलेगा ही नहीं। क्या कहा है? फिर कौन से मन की भी बात है? ऐसा भी समय आएगा कि याद लगेगी ही नहीं, तो बेहद का अन्न मिलेगा ही नहीं। किसके पास अन्न होगा? तो खून करके भी छीन लेंगे। अभी वो समय आ रहा है। क्या कहा? अगर किसी के संकल्पों का खून होता रहे तो याद कर पाएगा? हैं? तो संकल्पों का खून कर देंगे तो फिर याद का अन्न पैदा ही नहीं होगा। तो इस हालत से पहले तुम अपना मर्तबा तो बाप से ले लो, नहीं तो पीछे त्राह त्राह करना पड़ेगा। समझ गए ना? ये कौन सी हस्ती है? अभी बच्चे जानते हैं और तो कोई भी नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब भी ऐसे नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। जानते हुए फिर भूल जाते हैं। अच्छा, टोली ले आओ। सबको कहा करते हैं कि सबका मौत है, सबका वानप्रस्थ है, एक सदगुरु है जो बड़ा सहज मंत्र देते हैं। उस मंत्र का संस्कृत बनाया है। क्या क्या संस्कृत बनाया? मन मना भव मध्याजी भव। बोला इसमें ही है, बाप को याद करो, मन मना भव। उसका अर्थ रख दिया है कि बाप को याद करो। तो मन मना भव का अर्थ यही कहता है। वो संस्कृत अक्षर है, बहुत शोरगुल करता है। क्यों लगा दिया? वो संस्कृत अक्षर है, ये हिंदी अक्षर है। वो खुद आकर के जैसे द
दलाल के मुआफिक इस शरीर में रह कर के कहते हैं, हे बच्चे, हे आत्माओं, अभी मैं आया हुआ हूँ लेने के लिए। मैं तुमको आकर के दुख से छुड़ाता हूँ, लिबरेट करता हूँ, फिर मैं गाइड भी बनता हूँ और गाइड बन कर के तुम सबको साथ ले जाता हूँ। साथ ले जाऊंगा, 21:2:65 की वाणी का 7वां पेज। अब ऐसे कोई श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं क्या कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा? गुरु मर जाते हैं, चेले साथ जाते हैं क्या? नहीं, चेले उनकी गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो देखो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ये किसने कहा? जो असली श्री श्री 108 है, 108 श्रेष्ठ आत्माओं को बनाने वाला है, उसने कहा। ये श्री श्री 108 जदगुरु रुद्र ने कहा, जिनकी ये सारी आत्माएं मालाएं हैं, जो नंबर बार पार्ट बजाने आती है। तो बाप बैठ करके सब आत्माओं को समझाते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये रुद्र यज्ञ रचते हैं, लाखों लाख सालिग्राम बनाते हैं और फिर सालिग्राम बना करके फिर देखो क्या करते हैं। जब भगवान रुद्र को भी बनाते हैं, रुद्र के सभी बच्चों को भी बनाते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 बनाया, पूजा की, फिर क्या करते हैं? फिर उनको तोड़ डालते हैं। जैसे देवी देवताओं की हस्ति का ये हाल कर देते हैं, तो जो हस्ति के अलग हैं शिव बाबा, उनका भी यही हाल कर देते हैं। क्या करते हैं? सालिग्रामों को भी तोड़ देते और शिव बाबा को भी तोड़ देते। शिव बाबा का लिंग बना करके और छोटे बच्चों का भी बना करके मिट्टी से पूजा करके फिर मिट्टी में मिलाई देते। क्या मतलब हुआ? संगम युग में इसकी शूटिंग कैसे होती है? हैं? कैसे? 2036 में हुई शूटिंग। शिवलिंग बनाए और तोड़ दिए। बनाए थे वहां लाखों शिवलिंग हैं? एक बनाया था हैं? बेहद का बनाया था। कैसे? बात वहां तो किसी ने पहचाना भी नहीं। नहीं, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। लाखों आत्माओं को शिव जिसमें प्रवेश करता है, मिट्टी के शरीर में ही प्रवेश करता है ना। जिस शरीर में प्रवेश करता है
उस लिंग को मानते हैं, पूजते हैं, फूल अर्पण करते हैं और सतो प्रदान में खुद भी अर्पण में होकर कार्य करते हैं। तो जब तमो प्रधान बनते हैं तो रुद्र शालिग्रामों को भी तोड़ देते और रुद्र को भी तोड़ देते, विश्वास उखड़ जाता, निश्चय टूट जाता। तो देखो कैसे मिट्टी में मिला देते, मिट्टी में मिलाए देते मन अपने ही देह अभिमान की मिट्टी में भस्म कर देते और उसी समय में भगवान की उत्पत्ति। क्या कहा, जब सबको अनिश्चय हो जाता है तो उसी समय भगवान की प्रत्यक्षता हो जाती, उत्पत्ति हुई, पालना की, भगवान और उनके बच्चों को फिर खत्म कर देते हैं। क्या होता है, बाप के पास वापस जाना है ना, बाप आया है लेने के लिए, किसको लेने के लिए आया है, हैं? बच्चों को लेने के लिए आया है ना, बच्चे माने वो शरीर सहित बच्चों को ले जावेंगे, नहीं किनको ले जावेंगे, आत्माओं को ले जावेंगे। तो फिर साजन भी कहते हैं हम बच्चों को लेने आए हैं, पर बच्चे जानते हैं कि हम पतित हैं, सब बच्चे जानते हैं कि हम पतित हैं, बाप लेने आया है जरूर, क्योंकि भक्ति मार्ग में याद करते आए हो तुम, आत्माओं ने भक्ति मार्ग में बाप को पहले पहले निराकारी रूप में याद किया, लिंग रूप में याद किया, तुम बच्चों ने याद किया, सभी ने नहीं याद किया। अभी जो ब्राह्मण बनते हैं बस उन्हीं के लिए है ये रुद्र यज्ञ, बाप को याद करते आए हो, अभी बच्चों को मालूम है कि बाप आया हुआ है, अभी माने कब, संगम युग में मांग, बच्चों को मालूम है कि बाप आया हुआ है, आया हुआ है कि चला गया, क्यों ब्रह्मा के तन में आया फिर चला नहीं गया, अरे चला गया ब्रह्मा के तन में, बाप का काम क्या होता है, बाप का काम होता है वर्षा देना, तो ब्रह्मा के तन से क्या वर्षा दिया, क्या कोई सुख शांति का वर्षा देकर गए, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिला क्या, नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ कि बाप आए हैं चले नहीं गए। हाँ, जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो कुछ समय के लिए गुप्त हो जाता है, ऐसे ही 69 से लेकर के 76 तक बाप गुप्त हो गया, बाकी 76 में प्रत्यक्षता वर्ष में फिर प्रत्यक्ष होता है, नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष तो होता है ना।
तो बाप आया हुआ है तो क्यों आए हुए हैं? आने का मकसद क्या है? हैं? अरे बाप आए हैं बच्चों को वापस ले जाने, तो वापस लिए बगैर चले जाएंगे क्या? हैं? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कहाँ ले जाएंगे? बच्चे दुखी हो जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, तो बाप उनको कहाँ ले जाते हैं? वे ढूंढ के कहाँ ले जाते हैं? घर में ले जाते हैं। तो शांति धाम तुम्हारा घर है, शांति धाम में जा करके फिर तुम सुखधाम में आ जाएंगे। तो ये तो होता ही है, इसलिए बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी ये तुम्हारी आत्मा पतित है, ज्ञान सागर सर्वशक्तिमान बाप को याद करने से तुम्हारे विकार भस्म हो जाएंगे। मनुष्य मात्र को कोई याद नहीं करना है, मनुष्य मात्र को याद नहीं करना है। मात्र क्यों लगाया? मुरली ने बोला न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है। हाँ जी, तो कोई कहे कि प्रजापिता उसमें तो शिव आते हैं तो उनको याद करने से क्या होता है? अरे उनको भी याद करेंगे तो भी पार नहीं लगेंगे। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हमारी याद कोई निवृत्ति मार्ग की नहीं है कि निराकार को याद कर लिया या फिर सिर्फ साकार को याद कर लिया, नहीं। न मनुष्य को याद करना है न बंदरों को याद करना, ना कोई हनुमान को याद करना, न पानी को, न कोई देहधारी, इसमें सब आ गया। किसी ने गीत गाया, नींद को छोड़ दो, रास्ता मोड़ दो, स्वर्ग में जाने दो, भगवान आए हैं। जरूर आए हैं भगवान, किस लिए? बच्चों को वापस ले जाने के लिए। कि जो सत्यनारायण की कथा गाते हैं ना, ये सच्ची कथा है ना, और फिर ये अच्छा है, घर घर में ये कथा होती है। बाबा के भंडारे से तुम खाते हो, तो बच्चे ये पक्का रखो, ये बच्चों का भंडारा नहीं है, शिव का भंडारा है। जहां ये शिव का भंडारा है, क्योंकि भंडारा तो फिर शिव का ही होता है, किसी बच्चे का है क्या? जिसने शिव बाबा को सब कुछ अर्पण किया,
अर्थात वारिस बनाया उस बच्चे का है, हाँ शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो शिव बाबा प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं लेंगे। शिव बाबा कोई की प्रॉपर्टी लेते नहीं है, शिव बाबा पैसा लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे। हो गया उनका, अभी एक मिनट देरी होती है। एक तो बाप आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं ना, तो बाप बच्चों को कहते हैं कि श्रीमत पर चल, अगर अगर मगर करते हैं माना श्रीमत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत पर कोई जास्ती तकलीफ तो नहीं होती है। मुझे याद करो, अपने बरसे को याद करो, मैं बाबा की बनूंगी, बाबा से विष्णुपुरी के मालिक पने का बरसा लूंगी, बस यही बातें याद करते रहो। ओम शांति।